हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्लीपर में जो है स्पेसिंग कितने होते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का लोकेशन है और स्विच है। तो इसमें जो है जो नॉर्मली जो पीएससी स्लीपर होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, तो उसमें जैसे 60 सेंटीमीटर होता है स्पेसिंग, तो इसमें भी जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है एक स्लीपर और दूसरे स्लीपर के बीच में जो है 60 सेंटीमीटर भी रहता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों स्लीपर का सेंटर टू सेंटर जो है स्पेसिंग जो है 60 सेंटीमीटर रहता है, या आप ये भी बोल सकते हैं 600 mm। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्लीपर में भी जो है स्पेसिंग जो है वही रहता है जो नॉर्मली जो हमारा पीएससी स्लीपर होता है उसमें जैसे 60 सेंटीमीटर होता है, इसमें भी जो है स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर भी होता है। 60 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में जो है जैसे 1:12 का ये टर्नआउट है, तो इसमें जैसे 96 स्लीपर लगे हुए रहते हैं, 5 स्लीपर जैसे अप्रोच में लगे रहते हैं, और उसके बाद जैसे नॉर्मल स्लीपर जैसे 83 हो गया, और उसके बाद 8 स्लीपर जो है एग्जिट स्लीपर लगे रहते हैं, तो टोटल जो है 96 रहता है। इसी प्रकार जैसे हमारा 1:8.5 का टर्नआउट रहता है, तो उसमें जो है टोटल स्लीपर जो है 67 लगे हुए रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एक्चुअली इसमें जो स्पेसिंग जो होगा हमारा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो है स्लीपर के बीच में, ये 60 सेंटीमीटर होता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग स्लीपर में जो है कितने स्पेसिंग होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।